आज हम बनाएंगे विदाउट एग ऑमलेट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस वजह से बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप अपनी इच्छा से कोई भी इसमें सब्जी वगैरह ऐड भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं तो आप बना सकते हैं। बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आज मैं बनाऊंगी विदाउट एग ऑमलेट। अब आप सोच रहे होंगे बिना एग के ऑमलेट कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए, ये लिया है मैंने बेसन। ये मेरा 1 कप बेसन है यानी कि करीब 200 ग्राम। और लिया है मैंने ये मैदा, मैदा मेरी 6 चम्मच है। साथ ही लेंगे हम नमक, नमक मेरा 1 चम्मच है, आप नीचे से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और लेंगे हम, ये मैंने 2 प्याज ली है, इनको मैंने धो के और छील लिया है अभी, और बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लेंगे। साथ ही लेंगे हम हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने 1 ली है, इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। और लेंगे हम बेकिंग सोडा, 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। और लेंगे हम पानी, पानी अब हम रेशो के हिसाब से यूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूंगी कितना पानी यूज़ किया है, फिलहाल मैं आपको 1 ग्लास पानी दिखा रही हूँ। अब मैंने एक बड़े बाउल में बेसन डाल दिया है, इसमें अब मैं मैदा डाल दूंगी और जो हमारा नमक है उसको भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा बेकिंग पाउडर था उसको भी डाल देंगे हम 1 स्पून। 1 स्पून सोडा डाल दिया है मैंने इसमें, अब इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालना स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हम सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। फिर हम थोड़ा पानी और डालेंगे। ये हमने इसका इस तरीके से फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम पानी और डालेंगे, इसको हमें बिल्कुल पतला कर लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मली चीला बनाते हैं उससे भी पतला, बहुत गाढ़ा पेस्ट हमने इसका नहीं रखना है। देखिए हमारा इतना पेस्ट बन गया है, मेरा इसमें 1 ग्लास वाटर पूरा यूज़ हो चुका है। अब मैं इतना पानी और लेकर इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको हमें भी और पतला करना है। ये देखिए आपकी इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए ये। ये हमारा बनकर रेडी है पेस्ट। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने गैस पे गर्म होने रख दिया है। और ये ध्यान रखिएगा हम गैस हल्की करके ही इसको बनाएंगे। इस पे अब हम 1 स्पून घी डाल देंगे, आप चाहे बटर डाल सकते हैं या ऑयल डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा अच्छे से पूरे तरीके से पूरे पर फैला लेंगे। ये देखिए आपका पूरा ऑयल इसमें अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब जो आपका बैटर है वो इसमें आप डालेंगे। मैंने आपको बताया गैस आपको हल्की ही रखनी है, और आपको फिर भी लगता है नहीं फैला है तो आप इसको और अच्छे से पूरा इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। देखिए पूरा अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब इसमें हम बैटर डालना स्टार्ट करेंगे। इसको अब हम पूरा फिर से पकड़कर अच्छे से सभी तरफ स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए आपको साइडों से लग रहा होगा देखने में, बिल्कुल ऑमलेट जैसा देखने में लग रहा है ये। और मैंने इसके ऊपर प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है, और इसको हम हल्के हाथ से इस तरीके से कर देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। पलट दिया है मैंने इसको, हम अच्छे से सेक लेंगे। और मैंने आपको बताया ना, आपको इसको हल्की गैस पर ही बनाना है। ये देखिए आपका बनकर रेडी हो चुका है, मैंने उतार लिया है इसे।
मैं आपको इसमें एक और बना के दिखा रही हूँ। इस पर भी आपने अच्छे से पहले एक बैटर डाल दिया पूरा, और उसके ऊपर प्याज और हरी मिर्च डाल दी। अब इसको हम सेक लेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है गैस आपको हल्की ही रखनी है। ये देखिए कितना फ्लफी लग रहा है साइड से। अब मैंने इसको एक बारी पलट दिया है, बस आपका ये 2-3 मिनट में सिज जाएगा, और इसको फिर हम उतार लेंगे। ये मेरा बनकर रेडी है। आप इसको ब्रेड के स्लाइस पर लगा के भी और सॉस के साथ या किसी भी तवे से खा सकते हैं। ये मेरा बनकर रेडी है, तो आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।